हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जल्दी जल्दी से सभी लोग आज के इस क्लास को अटेंड कर लीजिए। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। जी हाँ, हालांकि विचार तो था कि एवरेज करें, बट मन किया कि नहीं, पहले परसेंटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एवरेज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, बट हम लोग आज से पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट, परसेंटेज, प्रतिशतता। देखिएगा, एकदम जीरो से आपको हीरो बना देंगे परसेंटेज में। याद रखिएगा, मुश्किल से 10 दिन का ये क्लास है, 10 दिन में जीरो से हीरो, ठीक है। ये हमारा वादा रहा आप सबों का, ठीक है। अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा ना, परसेंटेज का एक एक क्लास करिएगा, तो जीरो से हीरो। और एक चीज़ लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अगर परसेंटेज सही से पढ़िएगा तब प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, नहीं तो फिर वही बात हुआ ना कि बस देखिएगा और कुछ सब भूल जाए, मतलब कुछ समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। यानी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों गोतिया है, पड़ोसी जिसको बोलते हैं ना। तो परसेंटेज पढ़ा हुआ रहेगा तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, वरना कोई उपाय नहीं है। और बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चलिए। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे परसेंटेज बेसिक, ठीक है। बेसिक में क्या जानना है आपको परसेंटेज में, देखिए सिंपल, अगर कहीं पर, ठीक है, अगर जो है, अगर कहीं पे प्रतिशत लगा रहे, ठीक है, या सीधे सीधे कहिए कि आपको जो है कहीं पर प्रतिशत, ये परसेंटेज का यही वनटी वैल्यू, मतलब प्रतिशत का चिन्ह, तो समझिएगा कि प्रतिशत का मतलब जो होता है वो 100%। प्रतिशत का मतलब 100%। इसको थोड़ा सा हम पहले चेक कर लेते हैं, कैमरा ठीक से आ रहा है या नहीं, क्लासेस ठीक से हो रही है नहीं। हाँ जी बिल्कुल, प्रतिशत का मतलब 100%। यानी कोई पूछे कि, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मानकर चलिए आप महीने में 500 कमा रहे हैं, तो आपके इनकम यानी कमाई की जो वैल्यू है प्रतिशत में 100% है। अगर आप 500 के जगह 5000 भी कमाना शुरू कर दीजिएगा ना, तब भी वैल्यू प्रतिशत में 100%। और अगर 5000 के जगह 50000 कर दीजिएगा तब भी 100%, और 50000 के जगह 5 रुपया भी कर दीजिएगा तब भी 100%। यानी किसी भी व्यक्ति की आय में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो, उसकी आय अगर प्रतिशत में कल्पना की जाए तो 100% के बराबर होता है। यानी किसी भी चीज़ की वैल्यू प्रतिशत में 100%, ठीक। अब देखिए, कहीं पे लगा हुआ रहे प्रतिशत, जैसे इस तरह से, ठीक है। अब ये प्रतिशत एकदम बिल्कुल बेसिक से बउआ वाला काम करवा रहे, बाबू वाला एकदम, ठीक है, एकदम छोटा छोटा। अगर कहीं पे प्रतिशत लगा हुआ, हालांकि किसी किसी को हमारा लैंग्वेज पसंद नहीं आता है, पर कोई बात नहीं, सीखना है, नहीं जज करने के लिए नहीं आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। तो अगर कहीं पर बाबू लगा हुआ रहे प्रतिशत, अब सवाल है कि सर प्रतिशत लगा हुआ है, हमारा मन करे कि हम उसको हटा दें, तो आप क्या करिए ना, बचपन में पढ़ाया गया था कि बाबू प्रतिशत लगा रहे हैं ना तो 100 से भाग देना। लेकिन हम कहेंगे कि बाबू प्रतिशत लगा रहे तो 100 से भाग नहीं दीजिएगा, 1/100 से गुना करिए। कहिए अब ये क्या सिखा रहे हैं हमको, आप 100 से भाग दें चाहे 1/100 से गुना करें। बात तो वही हुआ ना जी, 3 जोड़ 2 जोड़ 3 करे या 3 जोड़ 2 करे, दोनों तो 5 ही होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, इस कारण से हम 1/100 से गुना करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लगा हुआ लिखा हुआ रहे 10%, ठीक है, 10% का मान याद करें, एकदम सिंपल सा उदाहरण, बाबू छोटा बच्चा वाला काम करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये 2-3-4 में भी पढ़ना है, 2-3-4 में नहीं, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से 4-5 में ये चीज़ पढ़ना है हमको प्रतिशत थोड़ा सा। तो कहेंगे 10% का मान क्या होगा, 10% का मान क्या होगा, तो इसका जो अगर हम सॉल्यूशन करें ना, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कहेंगे 10 और प्रतिशत लगा हुआ है ना, तो हम कहेंगे जहां प्रतिशत लगा रहे वहां 1/100 से गुना करेंगे, यानी 10 गुने प्रतिशत लगा हुआ है तो 1/100 और ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/10 आंसर। दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल था, कहेगा कि 4/5% का मान ज्ञात करें, ठीक है, या कुछ और लिख दीजिए ना, 30, ठीक है कोई बात नहीं, 4/5% का मान ज्ञात करें ये, ठीक है। तो कहेंगे 4/5 और प्रतिशत है तो 1/100 से गुना कर दीजिए, और लास्ट में प्रतिशत नहीं लगेगा क्योंकि वो हट गया, 25 बार में 25 चक 100, यानी 1/125। पॉइंट में बोलेगा तो पॉइंट में भी कर लेंगे, जल्दी से इसको नोट करिएगा, तो जल्दी से फटाक से नोट करिए, इतना छोटा सा एकदम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 3 बेसिस आपको पढ़ाएंगे, पहले ये छोटा सा पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बेसिक इसमें मतलब टाइप बाई टाइप आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे। पहले इतना छोटा सा नोट कर दीजिए आप, ठीक है। आज ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, बट बहुत ही मज़ेदार क्लास रहेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये क्लास अगर आपने नहीं करा तो आगे जितनी भी क्लासेस करिएगा वो आपके माइंड में जाने वाला नहीं है कुछ, हो गया। चल इतना समझ गए ना। एक सवाल तो आया कि सर ठीक है प्रतिशत लगा हुआ रहे और हमारा मन करे कि प्रतिशत हम हटा दे, तो आप तो सिखा दिए हमको कि 1/100 से गुना कर देना, समझ रहे ना, प्रतिशत लगा हुआ रहे और प्रतिशत को हटाने का मन करे तो आप तो सिखा दिए कि बाबू 1/100 से गुना कर देना। लेकिन एक बात बताइए, अगर प्रतिशत नहीं लगा हुआ रहे,
और हमारा मन कर जाए कि हम उसमें प्रतिशत लगा दें, समझिए इस चीज़ को। दो बातें आ रही है, एक है कि प्रतिशत लगा हुआ है और हमारा मन है कि प्रतिशत को हटा दे, तो आपने सिखाया कि 1/100 से गुना कर दीजिएगा। लेकिन अगर हमारा मन करे कि प्रतिशत नहीं लगा हुआ रहे और हमारा मूड बन जाए कि नहीं हम उसमें प्रतिशत लगाएंगे, तब क्या करेंगे? चलिए सवाल, ये पहला कंडीशन हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, छोटा सा एग्जांपल। क्या रहे कि 2/5 को, देखिए प्रतिशत नहीं लगा है, 2/5 को प्रतिशत में बदले। एक सिंपल सा सवाल, एक सिंपल सा सवाल, समझ आएगा आपके लिए भी सवाल हम रखेंगे, ठीक है? हम समझ रहे हैं आप लोग बड़ा भावुक हो रहे हैं। 2/5 को प्रतिशत में बदले, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ था, हटाने के लिए सिखा दिया, अब हटा हुआ है लगाने के लिए सिखा देंगे, समझिए इस चीज़ को, ठीक है? एक्टिविटी थोड़ा हमारा ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे ना? पहले लगा हुआ था, हटाने के लिए सिखा दिए, अब हटा हुआ है तो लगाने के लिए सिखाइए। तो वैसे कंडीशन में कहा गया कि बाबू जहाँ प्रतिशत लगा हुआ रहे, हटाने का मूड हो तो 1/100 से गुना कर दें। बाबू जहाँ प्रतिशत हटा हुआ रहे और लगाने का मूड हो तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है? 1/100 से नहीं, 100 से गुना। जहाँ प्रतिशत लगा हुआ रहे, हटाने का मूड करे, 1/100 से गुना, और जहाँ प्रतिशत हटा हुआ रहे, मन करे कि नहीं हम उसमें लगा दें, तो 100 से गुना। जैसे 2/5, और इसको प्रतिशत में बदलना है ना, तो कुछ नहीं करिए, गुने 100, सॉरी बाद में प्रतिशत लगा दें, गुने 100 कर दीजिए, 20/25 100, 20×2=40%। दूसरा 4/20 को प्रतिशत में बदले, समझिए इसको, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। 4/20 को प्रतिशत में बदलो, तो 4/20 प्रतिशत में बदलो तो ठीक है, गुने 100, 20×25 100, 5×20, लास्ट में लगा दीजिएगा ये साइन जी, 5×20। एक सवाल पूछा एक स्टूडेंट, सर 5 को प्रतिशत में बदलिए जरा, 5 को प्रतिशत में बदलें, कुछ नहीं है हमने बोला प्रतिशत में बदलना, अरे 100 से गुना कर दो, तो 5×100 500%। अभी कहे थे सर कि 100% से ज़्यादा नहीं होता है, 500 आ गया, तो आय जो है वो 100% से ज़्यादा नहीं होता है। अभी हम सिखाए ना प्रतिशत का मतलब 100%, तो मन में चला होगा ना आपके मन में, आए सर अभी आप बोल रहे थे कि प्रतिशत का मतलब 100% नहीं होता, यहाँ 500% ला दिए, तो आय किसी भी चीज़ की वैल्यू वो प्रतिशत में 100%। जैसे मानकर चलिए कि आप जो है कलम खरीदे 25 रुपया में, कलम खरीदे 25 रुपया में, तो क्रय मूल्य 25 रुपया, इसकी वैल्यू प्रतिशत में, तो कहेंगे 100% खरीद के लाए हैं, 100% पैसा देके आए हैं इसको, तो 100%। अब इसको हम 50 में बेच देंगे, नहीं 50 नहीं, 30 में बेच देंगे, 25 के जगह 25 में खरीद के लाए हैं, प्रतिशत का मतलब 100%। अब 25 वाला 30 में बेच दिए, तो कहिएगा सर 5 रुपया का लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यही चीज़ वहाँ पे पढ़ना, यानी अब इसकी जो वैल्यू जो हो जाएगी ये लगभग में 5 लाख × 100/25 125, ये आपको 20% का प्रॉफिट, यानी 120% में ये बिकेगा, ठीक है? इसीलिए हम बोल रहे थे कि परसेंटेज तभी परसेंटेज अगर आप सही से नहीं पढ़िए, और हाँ शेयर जरूर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इंस्टा पर, लिंक शेयर कर सकते हैं आप सब जगह, ठीक है? इसके लिए कोई फीस नहीं लगता है, नहीं लेते ना जी आप लोग से फीस, तो आपका धर्म कर्तव्य बनता है कि जिस इंसान से हम कुछ सीख रहे हैं उस इंसान का भला हो, ठीक है? चाहे वो हम हो या कोई रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो शेयर कर दीजिएगा। तो प्रतिशत का मतलब 100%, लेकिन इसको बदलना था तो ये आंसर देगा 500%। अब यहाँ से टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं, यही सब रिपीट करेंगे हम लोग, और बहुत ही लेवल तक चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। एक वो भिन्न होता है, भिन्न का मतलब अंश और हर के रूप में, दशमलव भिन्न यानी पॉइंट के रूप में आंसर लाना है, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। टाइप वन एकदम बिल्कुल बेसिक से, और हाँ हमारा मन, जैसा कि 7 बजे के लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा मन कर रहा है कि एक कंप्लीट कोर्स लाया जाए, ठीक है? हालांकि उसमें फीस लगेगी, लेकिन एक चीज़ समझिए, वो 1 साल तक रहेगा वैलिडिटी, मतलब आप कोचिंग संस्थान नहीं भी करिए, और जैसे जैसी आज देश की स्थिति है उन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। तो बस आपके फीडबैक के लिए आज लाइव आए थे और अच्छा फीडबैक मिला, और जल्द से हम अपने लर्निंग ऐप, जैसा कि आपको पता है प्ले स्टोर पर हमारा लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वहाँ पर हम लोग अपना ये लॉन्च कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऐप पर, ठीक है? चलिए याद क्लियर है, पहला टाइप वन, टाइप बाय टाइप बनाइएगा, एकदम छोटे छोटे सवाल करेंगे आपसे, टाइप वन, ठीक है? अगर किसी के पास आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर की बुक है तो वो लेकर निकल अपने हाथ में रख लेगा, बढ़िया रहेगा। आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर ये रोज काम नहीं देगा, अभी कुछ बस एक दो क्लास के लिए ये आर एस अग्रवाल आपको काम देगा, फिर हम अपना खुद का नोट्स यूज करेंगे, और यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा आप नोट्स, मतलब अगली जो 2-3 क्लासेस होगी ना उसके बाद जो है ना आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन लिखा हुआ ऑटोमेटिकली, मतलब पेन से लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली दिखेगा आपको। सवाल है टाइप वन में, हमने हेडिंग बना दी, आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलें, निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलें। अच्छा भिन्न का मतलब अंश और बटे हर, क्योंकि अंश ऊपर हर नीचे, या कहिए P/Q के रूप में आपको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले, और पहला सवाल हम आपके सामने रखेंगे,
40%। चलिए बनाना शुरू करिए। 40% को भिन्न यानी अंश और हर के रूप में बदलना है। कैसे बनेगा? अभी अभी हमने आपको सिखाया है ये चीज़, अभी अभी तुरंत हमने आपको ये चीज़ सिखाया है कि भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। शायद भूल नहीं गए होंगे आप लोग, आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तुरंत हमने आपको सिखाया कि आंसर हर के रूप में कैसे कन्वर्ट किया। चलिए जल्दी से बनाइएगा, क्या आंसर होगा? बहुत उम्दा सवाल है ये। हाँ बिल्कुल, आंसर आना शुरू भी हो गया जी। देखिए हमने कहा था भिन्न के रूप में बदलिए यानी प्रतिशत हटाइए, तभी तो भिन्न के रूप में होगा। और हमने बोला जहां प्रतिशत लगा रहे हैं वहां 1/100 से गुना, यानी 40 गुने प्रतिशत है तो 1/100 से गुना कर दीजिए। अब देखिए जितना फास्ट काट सकते हैं हम, कहेंगे 20 × 40, 20 × 25 100, 2/5 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा है 25%। बनाइए शुरू से जल्दी जल्दी फटाफट, कितना आंसर होगा 25% को भिन्न के रूप में? तो फटाफट आंसर आना चाहिए एकदम गति में, जल्दी से बनाइएगा 25% को भिन्न के रूप में। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, 25 और प्रतिशत है तो 1/100 से गुना करेंगे, 4 × 1/4 आंसर। क्वेश्चन लिखिए ऐसे, लिखिए 2 नंबर का आंसर, ए जो भी आंसर है 1/4, 2/3 जो भी आंसर है, इस तरह से लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है। तीसरा सवाल, तीसरा है जी 45%, इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना। ये हेडिंग हमने बना दिया टाइप 1, प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले। यहाँ थोड़ा सा लाइनिंग मार देते हैं, चलिए जल्दी से बनाइए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदले जी। 45% को कहेंगे 45 और प्रतिशत का मतलब है 1/100, 5 × 45, 20 × 25 100, 9/20। आज के क्लास के बाद सबको अपना फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में, आज के क्लास के बाद सबको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में जाके। लाइव चैट में तो आप लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हम देख रहे हैं लाइव चैट को, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स खोलना है, वीडियो को प्ले करके सबसे नीचे आइएगा, वहाँ पे कमेंट खुला हुआ रहता है। चौथा सवाल, ठीक है चौथा जो सवाल है जी ये आपका है, हाँ ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, 0.6%। अब बनाइएगा क्या होगा, इसको हम भिन्न के रूप में यानी अंश और हर के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बनाना शुरू कर दीजिए, 0.6% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.6%। आंसर आना शुरू भी हो गया, हाँ ये खासियत है आप लोग के अंदर, ठीक है हाँ हो रहा है ओके। चल 0.6% है तो कहेंगे 0.6 और प्रतिशत हटाएंगे तो बाबू 1/100, और ये पॉइंट किस लिए है, हटा के नीचे 0.10 करिए ना, पॉइंट हटाएंगे 10, जितने अंक पॉइंट का जितना अंक है उतना 0 लिखते हैं, कहेंगे 3 × 50, अब तो कटेगा नहीं, चलिए आंसर हर के रूप में चाहिए तो 3/500 ये हमारा करेक्ट आंसर है। और एक सवाल और, पांचवा सवाल, हर एक टॉपिक पे 5-5 क्वेश्चन, हाँ ये है 0. देखिए एक भिन्न है एक दशमलव भिन्न है, दशमलव भिन्न में पॉइंट में वैल्यू निकालना है, 0.08%। चलिए इसको करिएगा, 0.08% को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है जी बिल्कुल, 0.08 और प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00, लेकिन ये भी तो पॉइंट है ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे 00, क्योंकि दो पॉइंट के बाद दो अंक है तो 20, ठीक है। अब 4 × 8, 25 × 100, 50 × 100 यानी ऊपर कुछ नहीं तो 25 × 125 यानी 1250, 1/1250, और ये 5 क्वेश्चन में टाइप 1 हमारा क्लियर हो गया। आज 3 टाइप मिनिमम हम क्लियर करेंगे आपका, ठीक है मिनिमम 3 टाइप क्लियर करेंगे, कल से टाइप 4 की ओर एंट्री करेंगे, और आज की क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, उतना नहीं पर फिर भी अप्रॉक्स 40 मिनट का क्लास आपका कम से कम होगा। यहाँ तक क्लियर है सब लोग, एक बार फीडबैक दे देंगे। अच्छा समझ में आया ना बेसिक कैसे हम आप लोग को समझाएं? देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है, और सब अपने आप जगह पर सब ठीक है, हमारा जो तरीका है उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं। और जैसे ठीक है आगे बढ़ते हैं, मिटा दें हम इसको, चलिए टाइप 2 हेडिंग बनाइए फटाक सबर। टाइप टू में हमारा हेडिंग होगा प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदलें, प्रत्येक को मतलब पॉइंट में लाना है जी इस बार वैल्यू, प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदलें। प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदलें, क्लियर है? हाँ जी, पहला सवाल प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदले, और पहला सवाल ही हमने आपके स्क्रीन पर रख दिया, 30% बराबर बट 30% को बदलना है दशमलव भिन्न, यानी इसकी वैल्यू जो है इस बार पॉइंट में आनी चाहिए इस बार वैल्यू इसकी, ठीक है। तो जो पहला सवाल है 30%, इसको दशमलव भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है, वो भिन्न था इस बार दशमलव भिन्न। शुरू करिए बनाना जल्दी जल्दी से, आंसर लाइए क्या होगा। इस बार हमने भिन्न नहीं लिखा, इस बार हमने दशमलव भिन्न के रूप में बदलने के लिए कहा आपको, प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदले, प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में बदले। हाँ आंसर आना शुरू हो गया जी, पहला 30% है तो हमने कहा था 30 और प्रतिशत हटाने के लिए बोला था तो 1/100, और 1/100 हो गया तो 0 से 0 कैंसिल,
यानी 3/10 और 3/10 को क्या 0.3 कह सकते हैं, सॉरी प्रतिशत नहीं लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि इसमें कह रहा है दशमलव भिन्न के रूप में बदले, मतलब पॉइंट में आंसर लाना है, प्रतिशत में नहीं और P/Q के रूप में भी नहीं। पहला क्लियर है, इस बार दशमलव भिन्न यानी पॉइंट में आंसर लाना है, सीधे सीधे समझिए, ठीक है। दूसरा सवाल है 36%, चलिए बना दीजिए जल्दी से, 36% को दशमलव भिन्न के रूप में बदल दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये आपके स्क्रीन पे, 36%, हाँ आंसर आना शुरू हो रहा है। इसको देखिए और भी शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसको जो है ना 0.3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.3 और 0.30 वो बिल्कुल आपस में समान होता है, ये आपको भी पता है। तो 36% को क्या 36 × 1/100 कर दें, यानी हम डायरेक्टली रहने देते हैं ना, काटने से क्या फायदा, समय ज़्यादा लग जाएगा, यानी 36/100, और 36/100 को क्या 0.36 लिख सकते हैं। दशमलव भिन्न में ही तो बदलना है, क्या जरूरत है हमको 4 से काट करके 9 बार में 25 बार में, फिर 25 × 9 करिएगा तो फिर 0.36 ही आएगा, कोई बात नहीं इसमें। तीसरा सवाल, जितना शॉर्ट में आप इसको बना सकते हैं, तीसरा सवाल है 0.25%, ठीक है 0.25%, और इसको आपको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना है जी, बहुत समय लगेगा लेकिन फिर भी बन जाएगा आपसे, कोशिश करिए। 0.25%, इसको आपको दशमलव भिन्न में यानी पॉइंट में आंसर इसको लाना है, 0.25% को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना, हाँ आंसर आना शुरू हो गया। हम कहेंगे 0.25 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 00, इस प्रतिशत को हटाया हमने 00, लेकिन इसको भी तो हटा सकते हैं ना, 00, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा, हाँ 25 × 100, हालांकि काटने से कोई फ़ायदा नहीं, समय ज़्यादा लग जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से हमारा कहना है कि 0.25 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो फिर से काटिएगा ना, फिर वही आंसर आएगा, समय बर्बाद मत करिए, यानी आप डायरेक्टली 25/1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, यानी 0.0025 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10,000 × 25 करिएगा ना तो आ जाएगा वो, आपको करके देखिए। अब जैसे इसको आप काटते 25 × 100, 1/400 करिएगा ना, 1/400 करिएगा तब भी इतना ही आंसर आएगा, करके देखिए। पर 25 × 100 अगर हमने काटा था तो 1/400 हुआ ना, तो 1/400 करिएगा तो 0.0025 आएगा, तो हम क्या फ़ायदा टाइम पास करने से, इसलिए 25 हमने 10,000 कर दिया, ये 0 है, 10,000 हमने कर दिया 0.0025, ठीक है। चौथा सवाल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल। अगला सवाल, हाँ एक सवाल और है, 0.02%, इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलिए जल्दी से, 0.02%, अच्छा सवाल है ये, फिर से 0.02% कन्वर्ट करिए इसको दशमलव भिन्न में, 0.02%, हाँ आंसर आना शुरू हो गया, यही था ना 0.02, हाँ इसको कहेंगे 0.02% हमने हटाया 1/100, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 00, ठीक है, यानी 2/1, 2, 3, 4, ठीक है 2/10,000 करिएगा तो 0.0002 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल है, भाग देना ये सब तो आपको नॉर्मल आप कर सकते हैं। पांचवा सवाल, एक सवाल और, हाँ 4% ओनली, नहीं 5% करते हैं, 5% को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, दशमलव भिन्न के रूप में, कर दीजिए, एक लास्ट सवाल है, फिर हम लोग टाइप 3 की ओर एंट्री करेंगे और उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। 5% पॉइंट हटाना है, संख्या लिखना है तो 500 लिख दीजिएगा तुरंत, लेकिन नहीं सॉरी 1/100 करना था ना, 5% हटाएंगे तो 1/100, यानी क्या 5/100 होगा, ऐसे तो 1/25 आंसर हो जाता था अगर भिन्न के रूप में बोलता तो, सॉरी 20/100, 1/20 आंसर, लेकिन यहाँ दशमलव भिन्न के रूप में बोला है तो क्या 100/5 करेंगे तो 0.05 आएगा, यस या नो, 0.05 आएगा, करके देखिए, नॉर्मल की बातें हैं ये सब, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 क्लियर हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं, एक टाइप और बचा हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चन फिर से टाइप 3 में भी सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चन तीनों टाइप में, और फिर आगे की क्लासेस करेंगे, ओके। देखिए आज की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की और अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया और अगर आपके फ्रेंड लग रहे कि वो दूसरे क्लास से कुछ सीख पाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, हाँ ये तभी पॉसिबल है जब आपने ऑलरेडी परसेंटेज कभी पढ़ा है, अगर आप बिल्कुल एक फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत ही गंभीर समस्या है ये परसेंटेज। चलिए टाइप 3, ये बहुत ही लंबा क्लास चलने वाला है आपका, क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब भी पढ़ेंगे दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले परसेंटेज 10 दिन, फिर 10 दिन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, टाइप थ्री में जो टॉपिक है, हाँ कहा गया है कि प्रत्येक को प्रतिशत में कन्वर्ट करें, ठीक है, प्रत्येक को प्रतिशत में बदले, प्रत्येक को प्रतिशत में बदले, ये सवाल है जी आपका आज, प्रत्येक को प्रतिशत में बदले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, प्रत्येक को प्रतिशत में बदले, पहला सवाल सॉल्व करते चलिएगा। मैंने बताया था कि जहाँ पर प्रतिशत में बदलना रहे 100 से गुना करेंगे, हमने पढ़ाया था आपको बेसिक से, ठीक है। जैसे एक सवाल है 17/50, ठीक है, 17/50 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले जल्दी, 17/50 को प्रतिशत में बदले, 17/50 को प्रतिशत में बदले, तो हम कहेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन यहीं पे कर देते हैं, 17/50
और प्रतिशत में कन्वर्ट कर, प्रतिशत हटाना रहे तो 1/100 से गुना, प्रतिशत में बदलना रहे तो डायरेक्टली 100 से गुना, 50 × 100 17 × 34%। एक बार स्क्रीन चेक कर लेते हैं, ठीक है, 17 × 34%। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल स्क्रीन पे तुरंत रख देते हैं, ठीक है, 4-5 सवाल करेंगे फिर से आज टाइप 3 में। दूसरा सवाल है 5 × 3/4, इसको जो है प्रतिशत में बदलना है। आप बदलिए, हम टाइम दे रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, 5 × 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। बिल्कुल बन गया। पहले तो पूर्णांक तोड़ देंगे, 5 × 20 = 23/4, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 25 बार में कटेगा। अब सवाल है सर कि 23 × 25, इसके लिए तो या तो पेन और पेपर चाहिए या तो कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली 23 × 25, हम कहेंगे डायरेक्टली भी बनेगा, आप करिए ना, 25 × 20 करिए या 25 × 2 करिए, 25 × 50 पर 0 = 500, 25 × 20 करिएगा 500 होगा, यस या नो, हमें 25 × 23 करना, पेन नहीं उठाना है, पेपर नहीं उठाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो हम कहेंगे पहले 25 × 20 कर लेते हैं ना, 25 × 50 500, 25 × 20, और 3 बच रहा है तो 25 × 75 एक बार और कर लीजिए, 500 + 75 प्रतिशत लगेगा, प्रतिशत लास्ट में, ठीक है, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा फिर। क्लियर है? हाँ जी। अगला है 0.006, बनाना शुरू कर दीजिए। 0.006 को हमें कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, कुछ नहीं है, 0.006 और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुने 100 करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को हटाएंगे, तो नीचे 1/3 0, क्योंकि 3 अंक पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, 2 0 से, तो 2 0 हमारा कट गया, ठीक है, और 2 0 से 2 0 हमारा कट गया, सही है ना। तो इधर बचा 6 और इधर बचा 10, यानी 0.6%, ठीक है। आप इसको 3/5% भी लिख सकते थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप काफ़ी है इतना क्वेश्चन, बाकी आप सीख जाइएगा, एक एक करके घर पे प्रयास करिए, और इसको 2 बार 3 बार एक बार देख लीजिए वीडियो, समझ रहे ना, जैसे अभी समझ नहीं आया ना, 15 मिनट में ये आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जैसे ये लाइव क्लास खत्म हुआ अभी तुरंत चैनल पे अपलोड हो जाएगा, एक बार फिर से उसको देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए उसको, ताकि समझ में, पहला क्लास जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपको भी पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहली क्लास अच्छे से अटेंड करिए, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करके, फिर अगली क्लास आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।